Hello guys, welcome to my channel Pharma Care. So today our topic is SAR of H1 antihistamine or H1 antagonist. So first हम लोग देख लेते हैं general structure of H1 antagonist. So general structure क्या है H1 antagonist का? So यहाँ पे दो aryl ring हैं, AR1, AR2. किसके साथ जुड़ा हुआ है? X के साथ. X क्या हो सकता है? X यहाँ पे carbon भी हो सकता है, nitrogen भी हो सकता है, oxygen भी हो सकता है. And then दो carbon chain हैं. एंड उसके साथ एक नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है. एंड नाइट्रोजन के साथ दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी जुड़ा हुआ है. तो हम लोग अब इसका समरी देखेंगे एक एक करके. अगर हम लोग इस सार को समराइज फॉर्म में देखें तो क्या है, यहाँ पे दो एरोमेटिक रिंग. फर्स्ट हम लोग दो यहाँ पे एराइल रिंग के बारे में बात करेंगे. सो नंबर वन, यहाँ पे दो एरोमेटिक रिंग इज एसेंशियल, मीन्स टू एरोमेटिक रिंग इज एसेंशियल, मतलब वो बहुत जरूरी है एक्टिविटी के लिए, H1 एंटागोनिस्ट एक्टिविटी के लिए. देन AR1 जो एरोमेटिक रिंग एराइल रिंग 1 है, वो इट कैन बी एराइल रिंग ऑल्सो और हेटेरो एराइल रिंग, मीन्स फिनाइल रिंग भी हो सकता है और हेटेरो एराइल मीन्स दैट एनी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी हो सकता है. नेक्स्ट AR2 जो हो मतलब है, तो उसका भी क्या है, वो भी एराइल रिंग भी हो सकता है और हेटेरो एराइल रिंग भी हो सकता है, मतलब सिमिलर. नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे AX के बारे में. सो X में भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, एंड इट इज की एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, ये जरूरत है एक्टिविटी के लिए, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक कार्बन चेन के बारे में, ठीक है. सो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंपाउंड, ज्यादातर कंपाउंड में क्या देखने को मिलता है, दो कार्बन चेन मिलता है एंड इट्स एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है एक्टिविटी के लिए. अगर इस चेन को, कार्बन चेन को अगर लंबा भी किया, मतलब इंक्रीज भी किया और उसको ब्रांचिंग भी किया, तो उसकी एक्टिविटी क्या डिक्रीज हो जाएगा. नाउ हम लोग बात करेंगे अमाइन ग्रुप के बारे में. सो यहाँ पे टर्शियरी अमाइन जो 3° अमाइन है, इट्स एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, वो एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ये क्या करता है, मैक्सिमम एंटीहिस्टामिनिक जो एक्टिविटी वो प्रोवाइड करता है. देन अमाइन ग्रुप क्या होता है, हेटरोसाइक्लिक रिंग के अंदर भी हो सकता है, उसमें भी हम लोगों को पोटेंट कंपाउंड भी मिलता है, मतलब एक हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड है तो इट्स नॉट हेटरोसाइक्लिक, हेटरोसाइक्लिक रिंग है उसके अंदर ये अमाइन ग्रुप है, तो तब भी हम लोगों को क्या पोटेंट कंपाउंड भी मिलता है, ठीक है. अब हम लोग ये जो सभी पॉइंट है, इच पॉइंट को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे. इच एवरी पॉइंट के अंदर हम लोग सभी पॉइंट के अंदर एक एक करके एग्जांपल भी दे देंगे, उसके साथ स्ट्रक्चर भी दे देंगे, तब वो इलेबोरेट में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है. सो जनरली इस सार को हम लोग चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. सो एंटीहिस्टामाइन, सार ऑफ एंटीहिस्टामाइन, H1 एंटीहिस्टामाइन, दैट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, चार पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. सो नंबर वन, दैट इज एराइल कोट. नेक्स्ट नेचर ऑफ हेलोजन, नॉट हेलो सॉरी एक्स, एंड कार्बन चेन एंड टर्मिनल नाइट्रोजन. सो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं द एराइल ग्रुप के बारे में. सो हम लोगों ने बोला था कि मैंने बोला था कि जो टू एराइल ग्रुप है, दे आर एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी. दो एराइल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो वो क्या है, एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए. एंड AR1, इसको हम लोग AR1 मान लेते हैं, इसको AR2 मान लेते हैं, ठीक है. AR1 क्या है, ये एराइल रिंग भी हो सकता है और एक क्या, हेटेरो एराइल रिंग भी हो सकता है. यहाँ पे एग्जांपल दर के तौर पे दिया गया है डाइफेन हाइड्रामिन, जहाँ पे एराइल ग्रुप लगा हुआ है, और एग्जांपल है जो ट्राइफेन लामाइन है, जिसके अंदर क्या है, हेटेरो एराइल रिंग लगा हुआ है. अगर AR2 मीन्स एराइल रिंग, ये दो नंबर एराइल रिंग के बारे में बात करें, तो ए भी फिनाइल रिंग भी हो सकता है और हेटेरो एराइल रिंग भी हो सकता है. सो डाइफेन हाइड्रामाइन इज एन एग्जांपल ऑफ दिस कंपाउंड, जहाँ पे दोनों ही फिनाइल रिंग है. डॉक्सलामाइन एग्जांपल है, जहाँ पे क्या है, हेटेरो एराइल रिंग जुड़ा हुआ है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देख लेते हैं, अगर ये जो एराइल रिंग जुड़ा हुआ है, इसमें अगर सब्स्टिट्यूट किया क्लोरीन, ब्रोमीन और मिथॉक्सी ग्रुप से, तो क्या मिलेगा हम लोगों को ज्यादा पोटेंट कंपाउंड मिलेगा. सो एग्जांपल है ब्रोमो डाइफेन हाइड्रामिन. सो डाइफेन हाइड्रामिन के पैरापोजिशन में, फिनाइल रिंग के पैरापोजिशन में क्या हुआ था, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो उसका नाम है ब्रोमो डाइफेन हाइड्रामिन. सो अनदर एग्जांपल पाइरेलामाइन, जहाँ पे OCST मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देख लेते हैं नेचर ऑफ एक्स. सो हम लोगों ने क्या बोला था, एक्स मीन्स एक्स इट कैन बी कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी हो सकता है, ठीक है. बट ये यहाँ पे एक रहना इसको, मतलब एसेंशियल है, बहुत ही एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए उस पर्टिकुलर कंपाउंड का. सो अगर
एक नाइट्रोजन हुआ तो उसका जो डेरिवेटिव फॉर्म होगा तो उसका नाम होगा इथाइलिन डायमिन डेरिवेटिव्स, एग्जांपल ट्राइफिनामाइन। अगर वो एक ऑक्सीजन हुआ तो उसका डेरिवेटिव्स का नाम क्या होगा, एमिनो एल्काइल इथर डेरिवेटिव्स, एग्जांपल डाइफिन हाइड्रामाइन एंड डॉक्सलामाइन। सो व्हेन अगर क्या होगा, अगर ये एक कार्बन हुआ तो उसका जो डेरिवेटिव फॉर्म होगा तो उसका नाम होगा मोनो अमाइनो मीन सिंगल अमाइन ग्रुप विथ प्रोपाइल डेरिवेटिव्स, मीन्स मोनो अमाइनो प्रोपाइल डेरिवेटिव्स। सो यहाँ पे मोनो अमाइनो सिंगल अमाइनो ग्रुप इज देयर एंड प्रोपाइल मीन्स दैट की थ्री कार्बन विल बी देयर, सो दैट्स वाई इट्स नेम इज दैट प्रोपाइल डेरिवेटिव। सो एग्जाम्पल इज चेक फेनिडामाइन एंड क्लोरफेनिडामाइन इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, नाउ हम लोग बात करेंगे सेकेंड लास्ट पॉइंट के बारे में जिसका नाम है एल्काइल चेन। सो यहाँ पे अल्काइल चेन जो जुड़ा हुआ था उस कंपाउंड के अंदर, सो वो दो कार्बन का जो अल्काइल चेन है दैट इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी एंड दैट्स गिव द मोस्ट पोटेंट कंपाउंड एंड द मोस्ट पोटेंट कंपाउंड उससे हम लोगों को ऑब्टेन होता है। एग्जांपल है डाइफेन हाइड्रामिन इज एन एग्जांपल। नेक्स्ट ब्रांचिंग अगर किया, ये जो कार्बन चेन जुड़ा हुआ उसको अगर ब्रांचिंग भी किया और इलोंगेशन भी किया तो उसकी एक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट सम केसेस इज देयर जहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि वहाँ पर ब्रांचिंग भी किया उसके बाद भी उसका जो एक्टिविटी है हम लोगों को अच्छा एक्टिविटी और पोटेंट उसका पोटेंट कंपाउंड मिलता है, मींस अच्छा एक्टिविटी देखने को मिलता है। एग्जांपल है प्रोमिथाजिन्स। ओके, एंड लास्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं टर्मिनल नाइट्रोजन एटम के बारे में। सो टर्शियरी अमाइन ग्रुप मीन्स टर्मिनल नाइट्रोजन एटम मीन्स द कि यहाँ पे जो टर्शियरी अमाइनो ग्रुप दैट शुड बी इन टर्शियरी मीन्स द कि तीन कार्बन एटम के साथ जुड़ा होना चाहिए, तो उसको उससे अगर वो तीन कार्बन का टर्शियरी हुआ तो हम लोगों को पोटेंट कंपाउंड मिलेगा और मैक्सिमम एक्टिविटी वहाँ से हम लोगों को मिलेगा। जनरली इट इज ए डाई इथाइल अमाइन एंड नाइट्रोजन दैट कैन बी इन द हेटरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम ऑल्सो, जो पहले भी बोला था जो नाइट्रोजन होता है अमाइनो ग्रुप का, सो वो हेटरोसाइक्लिक रिंग के अंदर भी हो सकता है। सो दैट मच फॉर टूडे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंथेसिस डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड इज देयर अंडर H1 एंटी हिस्टामाइन ड्रग। सो अंडर दिस हम लोग बहुत सारा सिंथेसिस है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।